पाठ 19 मुहावरे। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। मुहावरों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे कमर कसना, तैयार होना, पेट दिखाना, हार जाना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वरन वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं हो सकता। निम्नलिखित मुहावरों तथा उनसे बने वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनके अर्थ याद कीजिए। मुहावरा अर्थ प्रयोग। अकल का दुश्मन, बेवकूफ या मूर्ख। तुम्हारी समझ में एक बात भी नहीं आती, तुम कैसे अकल के दुश्मन हो। अपना उल्लू, काम निकालना या सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने वाले कभी किसी के मित्र नहीं होते। आंखें खुलना, होश आना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद अब उसकी आंखें खुली हैं। इस वर्ष वह बहुत मेहनत कर रहा है। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। लाला अपने आप में बहुत होशियार बनता है, परंतु मैंने 100 रुपए का फटा नोट देकर उसकी आंखों में धूल झोंक दी। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, उस पर तुम पुरानी बातों को दोहराकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। सतीश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंख लगना, नींद आना। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद लग गई। आंखें चुराना, मिलने से बचना। जब से रामू ने मुझसे रुपए उधार लिए हैं, वह आंखें चुराने लगा है। आंखें बिछाना, स्वागत करना। विद्यालय के वार्षिक समारोह में सभी छात्रों और अध्यापकों ने मुख्य अतिथि के आने पर आंखें बिछा दी। अंधे की लाठी या लकड़ी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। उंगली उठाना, दोष लगाना। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, जरा अपने आप को भी आईने में देखो। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई के बाद मेरा अंग अंग ढीला हो गया। कान खा जाना, बहुत बोलना। रमेश जब भी मुझसे मिलता है तो कान खा जाता है। कमर कसना, तैयार हो जाना। परीक्षा निकट आते देख उसने परिश्रम करने के लिए कमर कस ली। कमर टूटना, हिम्मत और शक्ति ना रहना। जवान पुत्र की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर उसके बूढ़े माता पिता की कमर ही टूट गई। खून खौलना, बहुत अधिक क्रोध करना। सबके बीच अपना अपमान होने पर उसका खून खौल उठा। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। परीक्षा समाप्त होते ही मेरा मित्र घोड़े बेचकर सोया। चिकना घड़ा, पक्का बेशरम। तुम्हारे समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह तो चिकना घड़ा है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। जी चुराना, काम या परिश्रम से बचना। जो लोग काम से जी चुराते हैं वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। हमें अपना कार्य करना चाहिए, ना कि दूसरों के काम में टांग अड़ानी चाहिए। दांत पीसना, क्रोधित होना। मकान मालिक ने किराया ना मिलने पर दांत पीसते हुए किराएदार को घर से निकाल देने की धमकी दी। दांत खट्टे करना, हरा देना,
भारतीय सेना ने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए। नाक में दम करना, परेशान कर देना। प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने सबकी नाक में दम कर दिया है। 9-2-11 होना, भाग जाना। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी छात्र 9-2-11 हो गए। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। प्रतीक का परीक्षा परिणाम देखकर मैं फूला ना समाया। मुंह मोड़ना, भुला देना। जैसे ही शाम विपत्तियों में घिरा, उसके मित्रों ने भी मुंह मोड़ लिया। रंग उड़ना, घबरा जाना। जंगल में अचानक शेर को अपने सामने देखकर मेरा तो रंग ही उड़ गया। लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर हानि होना। विकास के पास जाओ तो संभल कर बात करना, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। हाथ फैलाना, मांगना। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाथ पीले करना, विवाह करना। कन्या के हाथ पीले करके माता पिता निश्चित हो जाते हैं। हवाई कीले बनाना, ऊंची कल्पनाएं करना। रवि हवाई कीले ना बनाओ, कुछ करके दिखाओ। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। राजन ने आज अपने व्यापार का श्री गणेश किया है। प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना। अविनाश ने जब शेर को देखा तो उसके प्राण ही सूख गए। हृदय का टुकड़ा, बहुत प्यारा। कृष्ण यशोदा के हृदय का टुकड़ा थे। चकमा देना, धोखा देना। अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। तलवे चाटना, खुशामद करना। बहुत से कर्मचारी अधिकारियों के तलवे चाटकर आगे बढ़ते हैं। दीक्षा लेना, शिष्य बनना। कबीर ने स्वामी रामानंद से दीक्षा लेनी चाही। टेढ़ी खीर, कठिन काम। परीक्षा में प्रथम आना टेढ़ी खीर है। हाथ का मैल, तुच्छ पदार्थ। साधु संतों के लिए धन हाथ का मैल होता है। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। पाठशाला से लौटते ही अजय के पेट में चूहे दौड़ने लगे। हाथ मलना, पछताना। अवसर निकल जाने पर अब हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा। पीठ दिखाना, भाग जाना। कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखा